नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार पांगड़े। आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा राउत नाचा या गहरा नृत्य का क्या इतिहास है, क्यों किया जाता है, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूँ। राउत नाचा, जी हाँ दोस्तों, गहरा नृत्य, ये छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। इसे गहरिया नृत्य भी कहते हैं। ये एक पारंपरिक नृत्य है। ये नृत्य छत्तीसगढ़ के यादव राउत द्वारा दीपावली देव प्रबोधन एकादशी से एक पखाड़े तक के अवसर पर किया जाता है। लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लाठी लकड़ी लेकर टोलियों में गाना गाते हुए नाचते हैं, जो कि देखने में अत्यंत सुंदर मनमोहक होता है। ये शौर्य एवं श्रृंगार का नृत्य है। लोग दोहा गाते हुए तेज गति से नृत्य करते हैं, जिसमें पैरों की थिरकन व लय का विशेष महत्व होता है। नाचते हुए वे गांव के प्रत्येक घर में मालिकों से आशीर्वाद लेते हैं। ये नृत्य केवल पुरुष वर्ग ही इसमें भाग लेते हैं। इसमें बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ सभी भाग लेते हैं। नाचा दोहा से प्रारंभ होती है। प्रारंभ में देवी देवताओं की वंदना की जाती है। जय महामाया रतनपुर के अखरा के गुरु बैताल, 64 जोगिनी पुरखा के भैया मां होने सहाय। इस लोक नृत्य में मोहरी, गुद्रुम, निशान, ढोल, डफला, टिमकी, झुमका, झुंझुना, झांझ, मंजीरा, मांदर, मृदंग, नगाड़ा आदि विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है और बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो जरूर अच्छी लगी होगी। राउत नाचा बहुत ही लोकप्रिय है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में हर जगह इसको मनाया जाता है। काफी रोमांचक लगता है। कभी भी आपको मौका लगे तो जरूर दीपावली के समय, दीपावली के ठीक दूसरे दिन से चालू हो जाता है, तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही आकर्षक लगता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें देखिए किस तरह से बच्चे लोग भी अच्छे से नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग। इसमें महिलाएं हिस्सा नहीं लेती हैं और बहुत ही लोकप्रिय, जरूर इसका आनंद उठाएं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार पांगड़े। आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर।